हम लोगों को ये समस्या है कि हमारा जो नल था उसको एक महीना हो गया खराब होते हुए। हम दूसरों के नल पर जाते हैं तो भी पानी अब भरते एक महीना हो गया तो भी कह रहे हैं कि अब मेरा नल खराब हो जाएगा तो मैं किसके नल पर जाऊंगा। हम लोगों को 1 किलोमीटर दूर भागने पड़ता है। हम मजदूर आदमी हैं तो हम अगीदा ढोरों को पानी पिलाते दिन भर मुझे निकल जाता है ना, तो हम बच्चों को ना स्कूल के लिए भेज पाते हैं टाइम से ना हम अपनी मजदूरी के लिए निकल पा रहे हैं। कोई प्रयास किया आप लोगों ने? प्रयास किया है, प्रधान से की है, लेकिन वे बोल रहे हैं कि मेरा जो हम पहले प्रधान थे वे बोल रहे हैं हमारा मेरे पास नहीं रहा उसका बजट, जो करीब 70-80 के लगभग हुए आदमी। हम खुजा समस्या है कि माने नल मिट गया है तो हमें दूर से पानी ले आने 10 ढक्कड़ ढोए बंदे 5-6 बाल बच्चे हैं, परेशानी है उन्हें 10 खेप ले आने ढोया फिर बच्चन हो नहाने उन्हें खाना बनाने फिर जब तक जार बना पाए तो भी चले जाने तभी घर बैठे बच्चा तो स्कूल नहीं जा पाते हमसे जा परेशानी है। कितनी बार आपको पानी लेने जाना पड़ता है? 10 डाल दूर जाने। ललितपुर जनपद के वृद्धा ब्लॉक ग्राम पंचायत छिल्ला में 4 माह से सरकारी हैंडपंप खराब था, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के माध्यम से समुदाय को जागरूक व संगठित करते हुए उनके सहयोग से मैं बदलाव ला पाया हूँ। हमारी समस्या का हल ऐसे हुआ कि शंकरलाल जी आए, इन्होंने हमारी यहाँ पर वीडियो बनाई, इन्होंने पूछा कि क्या समस्या है। हम लोगों ने बताया कि हम लोगों को ये समस्या है, तो इन्होंने फ़ोन लगाया कि इस मोहल्ले का हेडपम्प सुधरवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हफ्ते भर में मैं आपके मोहल्ले का हेडपम्प सुधरवा दूंगा। तो फिर हम लोगों ने कहा कि हमारा हफ्ते भर में हेडपम्प नहीं सुधरा तो हम लोग ब्लॉक में आकर धरना धर देंगे। उससे हेडपम्प का ये फायदा हुआ कि सिक्योरिटी साहब ने अपना एक आदमी पहुँचाया और हमारा हेडपम्प सुधर गया। फिर हम लोग को ये फायदा हुआ कि तो बच्चों को टाइम से नहा धो के स्कूल पहुंचा देते थे और भी अपने हम लोग नहा धो के भी औरतें जल्दी खाना बनाकर हम लोगों को खाना बना देते थे। हम लोग मजदूरी के लिए अपने टाइम से चले जाते थे। हम लोगों को हेडपम्प से ये सुविधा हुई। अब हमें समस्या थी कि 1 किलोमीटर जाने तो दूर पानी तो वो समस्या कैसे हल हुई? आप आए थे, आपने वीडियो बनाई थी, सेक्रेटरी को फोन लगा तो हमारा नल सुधरेगा, हमारी परेशानी दूर हो गई। वैसे हमारी परेशानी दूर हो गई हमको। यहाँ वीडियो वॉलेंटियर शंकरलाल जी हैं, उनके द्वारा सामाजिक कार्य किए जाते हैं। तो जैसे ही गांव में कोई समस्या होती है तो वो हमारे लिए फ़ोन करेंगे। तो ऐसे काम कुछ लोगों द्वारा किए जाना चाहिए, इससे गाँव में अधिक समय के लिए जो है कोई समस्या हो या कुछ हो तो उसका निस्तारण हो जाता है, काम जल्दी हो जाता है, लोगों को परेशानी नहीं। और हमें यही खुशी हुई कि पत्रकार जी ने जो हमारे यहाँ पर वीडियो बनाया उससे हम पत्रकार जी को धन्यवाद देते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार समुदाय की समस्याओं पर वीडियो बनाता रहूँ और उनको जागरूक व संगठित करते हुए बदलाव लाता रहूँ। मैं शंकरलाल, बुंदेलखंड क्षेत्र, ललितपुर से, इंडिया अनहट के लिए।